क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा? बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया। फेवरेट है मेरा। लाइए मैं सर्व कर देती हूँ। मुझे पता था आपको आपको ये सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। मैंने अपने हाथों से बनाई है। अच्छी क्या हुआ ऋषभ जी? Are you all right? I'm all okay. हाँ? नमक ज्यादा हो गया, तीखा हो गया? सच में तुमने ही बनाई है। I'm so sorry. मैं next time अच्छे से बना के लेके आऊंगी। ना चुप, मैं खाना चूटा नहीं छोड़ता, खाना है मुझे। अगर पहले खाई होती ना तो सब्जी कभी मेरी फेवरेट नहीं होती। I'm so sorry. मैडम मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, उनको भी जाने के लिए बोलिए और आप भी जाइए। जी ओके, मैं बोल देती हूँ। आज इतने दिनों बाद ऋषभ जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, उन्हें ऐसे खुश देखकर कितना अच्छा लग रहा। अरे सब लोग कहाँ गए? समीर क्या हो गया, तुम इतना रो क्यों रहे हो? और राखी माँ कहाँ है? भाभी राखी चाची वहां पे बैठी है, कह रही कि उनको किसी से बात नहीं करनी, उन्हें अकेला छोड़ दो, बात नहीं कर रहे हैं। समीर कैसी बातें कर रहे हो, वो अंदर तो अभी ठीक थी, ऐसा क्या हो गया मुझे बताओ ना। आपके सामने ठीक थी, आपके सामने ऐसी प्रिटेंड करी थी, लेकिन वो ठीक नहीं, वो ऋषभ भैया को लेके बहुत बहुत डरी हुई है, अजीब अजीब सी बातें कर रही हूँ। कैसी अजीब अजीब सी बातें? देखो तुम अभी मुझे मत डराओ, मुझे साफ साफ बोलो। अभी राखी चाची ये कह रही है कि अगर ऋषभ भैया को कुछ भी हो गया ना तो महेश चाचू सुसाइड कर लेंगे और वो भी सुसाइड कर लेंगे। सुसाइड करने की बातें कर रहे हैं आप, अजीब, समझाओ उनको प्लीज। तुम प्लीज टेंशन मत, मैं संभालती हूँ अभी। राखी माँ प्लीज, आप ऐसे मत रोइए, आप इस तरह टूट जाएंगी तो हमारा क्या होगा? आप तो पूरी फैमिली को संभालती हैं, अगर आप रोएंगी तो हम कैसे संभलेंगे? प्रीता मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। आप बिल्कुल मत डरिए। कैसे ना डरूं? तू देख रही है ना क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि भगवान भी हमसे रूठे हुए हैं, हंस रहे हैं। शायद उन्होंने जिद पकड़ ली है कि मेरा बेटा मुझसे अलग करके रहेंगे। प्रीता मैं सच कह रही हूँ, अगर भगवान जी ने ऐसा किया ना तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगी और पूरा इल्जाम भगवान जी पे आएगा। इस बार लड़ाई एक माँ की और भगवान के बीच की है, या मैं जीतूंगी, मेरी श्रद्धा जीतेगी, या फिर भगवान जीतेगा। अगर उन्होंने ऋषभ मुझसे अलग कर दिया ना तो मैं सच कहती हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, मुझे नहीं जीना ऋषभ के बिना। बाकी माँ आप कैसी बातें कर रही हैं, प्लीज ऐसे मत बोलिए। आपको कुछ नहीं होगा, ऋषभ जी को कुछ नहीं होगा, वो कल छूट जाएंगे। कैसे छूट जाएंगे प्रीता, मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि क्योंकि हमारे पास सबूत है। हाँ वो संदीप
जिन्होंने ऋषभ जी पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उसकी जान लेनी चाहिए, वो झूठ बोल रहा है और उसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है, और उसका सबूत हमारे पास है। उसके पैरों को कुछ नहीं हुआ है, उसे खरोच तक नहीं आई है, कोई चोट नहीं लगी है। वो इंसान जिसने ऋषभ जी पर इल्जाम लगाया ना, वही कल कोर्ट में आकर हमारे फेवर में गवाही देने वाला है। ऋषभ जी छूट जाएंगे, और अगर उसने ऐसा नहीं भी किया ना, तो हमारे पास पक्का सबूत है दिखाने के लिए कि वो झूठा है। अगर हमारे पास सबूत है तो वो सबूत लेके हम पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों नहीं जा रहे? इंस्पेक्टर को दिखा देती है ना, फिर ऋषभ को छोड़ देंगे वो लोग। राखी माँ, वो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि ये सब काम संदीप अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। ये जो मास्टरमाइंड है, ये संदीप का नहीं है, कोई और है जो उसे ये सब काम करा रहा है। लूथरा परिवार का दुश्मन जो लूथरा परिवार को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और हम उस तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए अभी हम पुलिस को कुछ नहीं कह रहे। तू क्या बोल रही है? कौन है वो? बता कौन है वो प्रीता? एक ऐसा इंसान जो हमारे घर में ही रहता है, वो है वो। तू किसकी बात कर रही है? बता, तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम बता, तू किसकी बात कर रही है प्रीता? बोल, तुझे मेरी कसम है, कौन है वो? पृथ्वी। पृथ्वी? जी, पृथ्वी। हाँ राखी माँ, ये सब संदीप को पृथ्वी ने करने के लिए कहा था। उसे पैसे दिए, डराया, धमकाया, यहाँ तक कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसको किसी सुनसान जगह बुलाया। वो तो संदीप का पीछा करते करते मैं वहां पहुंच गई। मैंने देखा जिस इंसान की वजह से मेरा बेटा सलाखों के पीछे है, वो इंसान लूथरा हाउस में बैठ के चैन की सांस ले रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी के अभी घर जा रही हूं और पृथ्वी को धक्के मार के घर से बाहर निकलवा दूंगी, अरेस्ट करवा दूंगी उसे। समीर, तू चल मेरे साथ, गाड़ी निकाल अभी। सुनिए भाभी, क्या हो गया, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? मेरी बात सुनिए। पृथ्वी, पृथ्वी, क्या हुआ आंटी जी? सब ठीक है ना? आप बहुत गुस्से में लग रही हैं और मेरा नाम चिल्ला रही हैं। प्रॉब्लम हो गई क्या? मामी जी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया मामी जी आपको? आंटी जी, आपने अपने बेटे पे हाथ उठाया। मैंने क्या किया है? कौन सी गलती कर दी मैंने? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो एक बार आप मुझसे बात कर सकते हैं। तुम मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो ना? मेरे घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो ना तुम? मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। आंटी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई ना आपके कान भर रहा है मेरे खिलाफ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ भाभी, आई एम श्योर आपको कोई गलतफहमी हुई है। पृथ्वी कभी ऐसा कुछ करेगा नहीं। हाँ भाभी जी, पृथ्वी जी घर को तोड़ने की बात तो दूर है, सोच भी नहीं सकते ऐसा। क्या बोल रहे हैं आप? जाकिर हुआ क्या है? कुछ बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ है? कहीं कुछ हेरा फेरी दिखी? कुछ क्या कहना चाहती है? क्या हुआ है राखी? अच्छा प्रीता, तू ही बता क्या हुआ है, बोल। मम्मी जी, मैं बताती हूँ क्या हुआ है।
आज हमारा ऋषभ सलाखों के पीछे है तो इस इंसान की वजह से। ये संदीप को पैसे दे रहा है झूठ बोलने के लिए ताकि हमारे ऋषभ को सजा हो जाए। क्या बोल रही है अंकल? मेरा यकीन मानिए आप सब लोग, प्लीज मेरा यकीन मानिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है पृथ्वी मल्होत्रा, मेरा झूठ सबके सामने आ चुका है, तुम पकड़े जा चुके हो, समझा? बकवास। क्या बकवास? ये सब बकवास है, कोई बकवास नहीं है ये, आप सब लोग झूठ बोल रहे हो, झूठ है ये सब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम सब झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम सब हार रहे हो ना। हार की मट्टी मुझ पे फोड़ रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम सब की हार पक्की है। तुम्हारी हार पक्की है और हमारी जीत पक्की है। महेश जी पुलिस को फोन लगाइए, अरेस्ट करवाइए इसे। पर कहां तक भागेगा? छोड़ेंगे नहीं उसे हम, आप लोग चिंता मत कीजिए। राखी मां रुकिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। देखिए आप जो फैसला लेंगी मैं उसमें आपको सपोर्ट करूंगी, लेकिन गुस्से में उठाया हुआ कदम बहुत बार गलत साबित होता है। क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अभी बहुत गुस्से में हो, गुस्से में इंसान अक्सर ऐसा कदम उठा लेता है जिसके बारे में सोचकर बाद में उसे बहुत पछतावा होता है। राखी माँ अभी इतने गुस्से से वैसे भी क्या होगा? क्या होगा कि क्या मतलब है तुम्हारा प्रीता? मैं घर जाऊंगी, पृथ्वी को अपने सामने बुलाऊंगी और जोर का एक थप्पड़ मारूंगी और उससे पूछूंगी कि आखिर क्या दुश्मनी है उसकी हमारे परिवार के साथ जो हमें बर्बाद करने पे तुला हुआ है, और धक्के मार के उसको घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। इतना बड़ा सच जानने के बाद मैं चुपचाप हाथ में हाथ धरे तो नहीं बैठी रहूंगी ना। अपने बेटे को बचाने के लिए हर वो कदम उठाऊंगी जो एक माँ को उठाना चाहिए। मैं समझती हूँ राखी माँ, लेकिन अगर आपके इस कदम से हमें नुकसान हुआ तो आपने पृथ्वी को थप्पड़ मारा या उसे ये सब कुछ बता दिया जो हम उसके बारे में जानते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? वो अलर्ट हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि उसकी पोल खुल चुकी है, तो वो चुप नहीं बैठेगा, या तो वो घर से भाग जाएगा, वो पक्का कोई ना कोई प्लान करेगा, या तो हमारे सबूत मिटाने की कोशिश करेगा या हमारे गवाह को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने प्लान किया है, जो मेहनत हमने करी है, वो सब मिट्टी में मिल जाए। राखी माँ आप मेरी बात समझ रही है ना? वो बहुत छात्र है, वो भी हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठा रहेगा। आई नो कि ये वक्त बहुत मुश्किल है आपके लिए, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, एक माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कुछ घंटे हैं, आप ये खून का घूंट समझकर पी जाइए, किसी को कुछ मत कहिए। प्रीता मुझे लगता है तू जो कुछ भी बोल रही हो सही बोल रही हो, लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हम घर जाते हैं और अगर पृथ्वी हमें मिला या उसने हमसे कुछ पूछा तो हम यही दिखाएंगे कि हमें कुछ हाथ नहीं लगा, अब हमने ये मैटर भगवान पर छोड़ दिया है और संदीप कल जो कोर्ट में गवाही देगा उसी पे डिसीजन होगा। ये बात हमें पता है कि संदीप कल कोर्ट में हमारे हक में गवाही देगा, हमारे परिवार के हक में गवाही देगा, और उसके बाद ऋषभ जी बाहर आ जाएंगे और ये पृथ्वी जेल के अंदर, और उसके बाद मेरी कृतिका का क्या होगा? मेरी बच्ची अपने पति को पति परमेश्वर मानती है, वो ये नहीं जानती कि वो पति परमेश्वर नहीं राक्षस है। पृथ्वी ने ऐसा क्यों किया? क्या हासिल हुआ उसे? हमने तो उसे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, फिर भी इतना बड़ा धोखा अपने ही परिवार के साथ। मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा। राखी माँ कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो शुरू से ही गलत होते हैं और उनके साथ कितना भी अच्छा कर लो वो सुधरते नहीं है,
और पृथ्वी एक ऐसा ही इंसान है। क्या आपकी कृतिका एक ऐसा इंसान डिजर्व करती है? नहीं ना, वो बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती है और उसके साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा। आप यही सोचिए और इस वक्त इस बात पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि पृथ्वी को हमारे प्लान के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कुछ भी नहीं। मैंने पिछले जन्म में कोई तो पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में मुझे तुम ली बहु के रूप में। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो प्रीता मुझे समझा रही थी कि मैं किस के बारे में। अरे चाची छोड़िए ना, घर चलते हैं। चले चलो चलो, कमी माँ को बैठा, बैठो ना। चले यार, उथरा हाउस जो हमेशा मुंबई लोकल की तरह खचाखच भरा हुआ होता है, आज इतना सूना कैसे पड़ गया? कहां गए सब लोग? कोई दिख ही नहीं रहा। कमाल है यार। आंटी शॉल ओके? आप सब लोग इतने टेंस क्यों लग रहे? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं आंटी जी, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, आप सबकी हेल्प करूंगा। आफ्टर ऑल मैं भी इस घर का हिस्सा हूं। अब जो है वो है, बाकी सब ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी वो पीहू का फोन आया था, वो आपको याद करिए, चाचू के रूम में चलिए ना। हाँ, और मैं भी ये बैग किचन में रख देती हूँ। ये सब लोग इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं? सबके सब अजीब लग रहे हैं। प्रीता जी, ये मुन्ना सैम और बेबी भी, ये सब लोग मुझे टेंस लग रहे हैं। एक काम करता हूँ, राखी लूथरा को ना अपना सपोर्ट दिखाता हूँ। आंटी जी, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ, आप मुझे बेटा बोलती हैं। मैं समझ सकता हूँ आप किस दौर से गुजर रही हैं, बट ट्रस्ट मी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको मेरी मदद की जरूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर। आप राखी माँ, चलिए पीहू के पास चलते हैं, वो बहुत याद कर रहे हैं हमें, समीर को फोन तक किया। आइए आइए, रीता जी के बिहेवियर से साफ पता चल रहा है कि इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। रीता जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रीता जी, राखी माँ, समीर आप लोग चलिए, मैं अभी आती हूँ। जी माँ। आपसे भी वही कहना चाहता हूँ प्रीता जी, जो मैंने राखी आंटी से कहा, ऋषभ जी को जेल से छुड़वाने के लिए अगर किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो ना, तो आप मुझे बता सकती है, आई विल हेल्प यू। आपको ऐसा लग रहा होगा है ना, मतलब लग नहीं रहा होगा, आपको किसी पे शक होगा है ना, अगर किसी से सच उगलवाना है ना तो भी आप मुझे बता सकती है, मैं आपकी मदद करूंगा। बताइए क्या चल रहा है आपके दिमाग में, किसी पे शक है आपको, किसी से सच उगलवाना है, चल के आपके दिमाग में बता सकती है मुझे, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं प्रीता जी? सच तो तुम्हारे मुंह से उगलवाना है पृथ्वी, क्योंकि मुझे तुम पर शक नहीं, पूरा यकीन है ऋषभ जी को फंसाने में तुम्हारा ही हाथ है। क्या कहा आपने? कुछ कहा आपने? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि
तुम्हें तो पता भी नहीं है कि कितने स्ट्रेस में है हम सब। राखी माँ को कितनी टेंशन है ऋषभ जी की। कल कोर्ट की हियरिंग है, अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। पृथ्वी, अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में केस से रिलेटेड कुछ भी पता लगता है, कोई भी क्लू, तो प्लीज हमें जरूर बताना। मैं तो कोई रास्ता मिल नहीं रहा।